Hi guys, I welcome you all to my channel Fly Fantasy. आज हम कुछ चटपटा सा यम्मी सा बनाने वाले हैं. अपने टाइटल तो पढ़ ही लिया है, सो लेट्स सी द रेसिपी. तो आज हम बनाएंगे वेज फ्रेंकी विद चीज एंड पनीर एंड विद द सेम इंग्रेडिएंट्स हम लोग वेज चीज सैंडविच भी बनाने वाले हैं. सबसे पहले हम लोग फ्रेंकी का जो मसाला है वो बना लेंगे. उसके लिए मैंने ऑयल गरम करके इसमें प्याज ऐड किए है. प्याज को थोड़ा फ्राई होने के बाद इसमें मैं यहाँ पे फ्रोजन मटर यूज़ कर रही हूँ. आप फ्रेश मटर भी यूज़ कर सकते हो. मटर को पकने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता. इसको अच्छे से ऑयल में फ्राई करने के बाद यहाँ पर मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ. जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी मैं अच्छे से ऑयल में फ्राई कर लूँगी. इसके बाद यहाँ पर मैंने 3 बॉइल्ड आलू यूज़ किए. इसे भी अच्छे से स्मैश कर लेना है ताकि आलू के बड़े पीसीज ना रहे. यहाँ पे मैं पाव भाजी का स्मैशर यूज़ कर रही हूँ स्मैश करने के लिए. आलू हमारे अच्छे से स्मैश हो चुके हैं. अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे. सबसे पहले फ्रेंकी मसाला ऐड करेंगे. यहाँ पे मैंने 3 स्पून ऑफ फ्रेंकी मसाला यूज़ किया है. अच्छे से मिक्स करना है. इसके बाद मैंने 1 स्पून रेड चिली पाउडर यूज़ किया है. 1 स्पून किचन किंग मसाला ऑरल्स गरम मसाला एंड सॉल्ट टू टेस्ट. अच्छे से सबको मिक्स करके लेना है. यहाँ पे मैं गेहूं के आटे की जो अपनी नॉर्मल रोटी है वो यूज़ कर रही हूँ. आप मैदे की रोटी भी यूज़ कर सकते हो बट आई एम गोइंग फॉर अ हेल्दियर ऑप्शन. गेहूं की रोटी इज़ ऑलवेज हेल्दियर. यहाँ पे मैंने रोटी गरम करके ले लिया और उसके ऊपर मेयोनीज लगा रही हूँ. इसके बाद मैंने ये केचप ले लिया है. ये भी उसके ऊपर अच्छे से लगा लेंगे सब तरफ से. इसके बाद जो हमने मसाला बनाया था आलू और मटर से वो ऐड किया है. और ये मैंने पनीर जस्ट पैन में ऐसे ही फ्राई कर लिया था वो ऐड करेंगे. उसके बाद यहाँ पे ओनियंस को मैंने ऐसे लंबा लंबा काटा है और उसे ऐड कर लिया है. और यहाँ पर चीज़ ग्रेट करके ले रही हूँ मैं. चीज़ से सच्ची में बहुत अच्छा टेस्ट आता है. अब हम फ्रेंकी को रोल कर लेंगे. हमने जो चीज़ पनीर और जो आलू का मसाला था वो रोटी के एक साइड में डाला था. बीच में नहीं डालना है हमें, ऐसे एक साइड में डालना है ताकि इसे रोल करना इजी हो जाए जैसे मैंने किया है. और ये हमारी फ्रेंकी रेडी हो चुकी है. इसमें कैबेज कैप्सिकम और भी वेजेस यूज़ कर सकते हो. मेरे पास जो लॉकडाउन में अवेलेबल था मैंने उससे बनाया पर ऐसी भी ये बहुत टेस्टी लगती है. ये ऐसे सिंपल वे में भी बहुत अच्छी लगती है, ज़रूर ट्राई करना. हमने इसे गेहूं के आटे से बनाया है सो इट इज़ एन हेल्दियर ऑप्शन फॉर अ ब्रेकफास्ट. अभी हमने जो आलू का मसाला बनाया था उसी से हम लोग टोस्ट सैंडविच बनाएंगे. तो मैंने ये वेजेस, चीज स्लाइस, ब्रेड और जो आलू का मसाला था वो लिया है. दोनों भी ब्रेड के स्लाइस को मैंने यहाँ पे मेयोनीज लगा के ले लिया है. और अभी इस पर केचप लगा लेंगे दोनों भी स्लाइस पे. आपके पास घर पे जो भी वेजेस है आप उसे इसमें ऐड कर सकते हो. ये सैंडविच सच में बहुत टेस्टी बना था. मैंने सैंडविच की एक स्लाइस रख ली है और एक चीज़ स्लाइस ली है मैंने यहाँ पे. और जो आलू का मसाला था उसे एक पैटी का शेप दिया है और उसे रख लिया है यहाँ पे. उसे अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ चारों साइड में. इसके बाद जो वेजेस लिए थे वो ऐड कर रही हूँ. यहाँ पे मैंने टमाटो ऐड किया है, कुछ ओनियन के स्लाइसेस, कैप्सिकम और जो पनीर फ्राई करके लिया था पैन में वो ऐड किया है. उसके बाद यहाँ पे दूसरे स्लाइस से सैंडविच बंद करेंगे और दोनों साइड से इसे बटर लगा के लेना है और इसे ग्रिल करके लेंगे हम लोग या टोस्ट करके लेंगे. हमारा सैंडविच टोस्ट हो चुका है, गर्म है ये. इसे मैं नाइफ से कट कर रही हूँ. आप धुआं देख सकते हो आते हुए सैंडविच से. अंदर तक चीज़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है. ये सच्ची में बहुत टेस्टी था. हमारा टोस्ट सैंडविच यहाँ पे बनके रेडी हो चुका है. चीज़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुका है. बाहर से ब्रेड एकदम क्रिस्पी है.
जितना टेस्टी दिख रहा है ना उससे कहीं ज़्यादा डिलीशियस यम्मी था ये चीज़, एकदम अच्छे से मेल्ट हुआ है। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।